हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का मॉडल पेपर 3rd बताने जा रही हूँ। इससे पिछले की वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश के मॉडल पेपर 1st 2nd बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इसमें इंग्लिश के मॉडल पेपर में समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक दिया गया है 70 नंबर का। सेक्शन ए दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इसमें पैसेज दी गई है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली से लेकर द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट तक, यहाँ तक हमारी पैसेज दी गई है। उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एव पैसेज हैज बिन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। दूसरा है क्वेश्चन, वेयर वाज द हाउस लोकेटेड। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। पहला है क्वेश्चन, हु वाज लैंचो, वाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। दूसरा है, हु वाज सुकरात, व्हाट वाज ही एक्सक्यूज्ड ऑफ। फिर अगला है क्वेश्चन, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सोक्रेट्स ट्राई टू टीच द पीपल बाय टॉकिंग टू देम। दूसरा है, व्हाट क्वालिटीज मेक ए मैन ए रियल ब्राह्मण। तीसरा है, व्हाई डिड लैंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड। फिर अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए में दिया गया सॉलिटरी, अप्रिसिएट, फॉरसेक, पजल्ड। लिस्ट बी में दिया गया कन्फ्यूज्ड, लोनली, एडमायर। चौथा, लीव एलोन इन ए हेल्पलेस कंडीशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। लाइफ इज रियल, लाइफ इज इयरनेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट थ्रो आर टू डस्ट रिटर्नेट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। पहला क्वेश्चन है, What is life and what is not its goal? दूसरा है, What was not spoken of the soul? छठा क्वेश्चन है, Give the central idea of any one of the following poems: The Fountain, The Psalm of Life। फिर अथवा में दिया गया है, Write 4 lines from one of the poems given in your textbook। सातवां क्वेश्चन है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। पहला है, डिस्क्राइब वन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन मेड बाई एडिसन। दूसरा है, वाई डिड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्स फ्रॉम द अर्थ। तीसरा है, वाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवेज। फिर दिया गया, एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स, प्लेइंग गेम्स, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, टेलिंग स्टोरीज। सी नंबर है, द एंजल आस्क्ड द किंग टू गो एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 डेज सो दैट समबडी एल्स कुड ट्राई टू असेंड द थ्रोन, नो वन माइट टू ऑक्यूपी इट, द किंग माइट प्यूरिफाई हिमसेल्फ एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन। डी नंबर है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ गोल्ड, आयरन, सिल्वर, स्टोन। सेक्शन बी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है, ऑलवेज ऑनेस्टली डज द वर्क हर, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। दूसरा है, ही हैज मेड ए मिस्टेक, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तीसरा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, डू एज आई से, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। चौथा है, सी गेव मी ए गिफ्ट, चेंज इनटू नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का, ए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। सी नॉक्ड द डोर, एट वोन अपॉन इन। दूसरा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, डू यू नो वेयर। सी नंबर है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये 2 स्पेलिंग दी गई, आपको इसको कंप्लीट करना है। फिर अगला है, डी नंबर, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेरेवर नेसेसरी, द टीचर सेड टू अमित, अमित हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। 12वां नंबर है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये
ट्रांसलेशन हिंदी में दिया गया, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फी कंसेशन एज योर फादर इज ए लो पेड लेबरर। अथवा में दिया गया, राइट ए लेटर टू योर सिस्टर ऑलरेडी मैरिड इनवाइटिंग हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। 14 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए कंपोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड्स, पॉइंट्स आर गिवन बिलो फॉर ईच टॉपिक टू डेवलप द कंपोजिशन। पहला पॉइंट है ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, दूसरा है माई बेस्ट फ्रेंड, तीसरा ए जर्नी बाई ट्रेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन स्टेट थ्रोन देयर ओन। ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगल सोल एम्बिशन, दूसरा है व्हाई डिड द विजिट एवरी बेड इन द हॉस्पिटल। दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर थर्ड बताया है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।